तो देखिए दोस्तों, आज मैं बनाएंगे काजू की चटनी। तो काजू की चटनी बनाने के लिए यहाँ पे हमने यहाँ पे ले लिए हैं, यहाँ पे काजू लिए थोड़ा सा, यहाँ पे किशमिश लिए, यहाँ पे आमचूर पाउडर लिए हैं, यहाँ पे थोड़ी सी हमने गूंद ले लिए हैं, एक हरी मिर्च को तोड़ लिया दो टुकड़े में, यहाँ पे लाल मिर्च को हमने बारी बारी तोड़ लिए हैं, यहाँ पे हमने बारी बारी टमाटर और शिमला मिर्च को बारी बारी में काट लिए हैं। तो चलिए दोस्तों, हम काजू को थोड़े मिक्सी में थोड़े हम इसको पीस लेते हैं, उसके बाद चटनी हम बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, बहुत टेस्टी हमने चटनी बनाकर आप लोग को शेयर करूंगी। तो देखिए दोस्तों, हमने काजू को मिक्सी जार में पीस लिए हैं, बहुत सुंदर सॉफ्ट हमने पीसे हैं। तो इसको चटनी बहुत टेस्टी हम बनाएंगे, बहुत बढ़िया इसको चटनी बनाएंगे। तो हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा एंड तक। तो चलिए हम शुरू करते हैं, अपने गैस को ऑन कर लेते हैं, उस पर कढ़ाई रख देते हैं। देखिए दोस्तों, हमने चूल्हे पर कढ़ाई रख दी है, कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है। तो हम इसमें डाल देते हैं सरसों तेल, सरसों तेल डाल दिए इसमें। अब इसमें डाल देते हैं हम जीरा लिए हैं हमने, साबुत जीरा, तो इसको हम डाल देते हैं फोरन के लिए। इसमें डाल देते हैं हम लाल मिर्च को, जो हमने तोड़ कर रखे हैं सूखा लाल मिर्च, इसको डाल देते हैं। हरी मिर्च को डाल देते हैं, चटक रहा है। तो इसमें हम डाल देंगे टमाटर या शिमला मिर्च जो हमने बारीक बारीक काट कर रखे हैं, इसको डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा थोड़ा चटक चुका है, तो इसको शिमला मिर्च टमाटर को डाल देते हैं। इसमें सॉफ्ट हो जाएगा तो हम इसको डालेंगे आमचूर पाउडर, जो लिए हैं उसको डालेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने ये टमाटर, ये शिमला मिर्ची हमें खोलकर देखते हैं, ढक्कन हटाकर ये पका हुआ है कि नहीं। देखिए दोस्तों, ये हमारा टमाटर ये शिमला मिर्च बहुत सॉफ्ट हो चुका है, बहुत सुंदर ये बढ़िया से ये भून चुका है। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है। तो इसमें हम डाल देते हैं आमचूर पाउडर जो लिए हैं, यहाँ पर लिए किशमिश, यहाँ पर लिए हमने थोड़ी सी गुड़, इसको हम डाल देते हैं। इन सभी चीज़ों को हम भूनने के लिए भून लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा गुड़, आमचूर पाउडर, ये काजू, किशमिश बहुत सुंदर से ये सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हम डाल देते हैं थोड़ी सी भून लिए हैं स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी चीनी। तो चीनी और नमक को इसमें हम ऐड कर देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारे में इतना सुंदर और बन गया है। तो इसमें थोड़ा सा पानी हमें नहीं डालेंगे, पानी क्योंकि चटनी में पानी नहीं डाला जाता है। बहुत सख्त हमने चटनी बनाई, बहुत टेस्टी। देखिए इसका कलर, देखिए कितना मजा और कितना सुंदर हमने चटनी बनाया है। अब इसमें हम ऐड करने वाले हैं काजू, काजू के जो हमने मिक्सी जार में पीस कर रखे हैं पाउडर बनाकर, ज़्यादा हमने नहीं किए हैं, सब नहीं किए हैं, थोड़ा दरा टाइप का है ये काजू हमारा। तो इसमें हम ऐड कर लेते हैं और 2 मिनट के लिए इसे हम पका लेते हैं, उसके बाद हम अपनी चटनी को चूल्हे से निकाल लेंगे। देखिए बहुत सुंदर ये हमारा चटनी बनेगा। प्लीज प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर से जरूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, हमने छोटी चम्मच
आधी चम्मच लिए हमने पुदीने की चटनी बनाकर रखे हैं पहले से, तो थोड़ी सी इसमें हम इस्तेमाल कर देते हैं ताकि हम पुदीने की चटनी से बहुत बढ़िया से टेस्ट आ जाए। अब चलिए हम अपने गैस को फ्लेम बंद कर देते हैं। अब इसी चटनी को हम उतार लेते हैं, अब खाने के लिए प्लेट में निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने काजू की चटनी बना ली है, बहुत टेस्टिंग बनाए हैं, बहुत बढ़िया बनाए हैं, बहुत मतलब खाने में बहुत टेस्टिंग है। तो देखिए दोस्तों, हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा, हमारे वीडियो आप लोग को पसंद है तो बहुत से बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा। तो प्लीज अपने घर पर एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा, अपने खाइएगा, अपने परिवार को खिलाइएगा, अपने घर आए हुए मेहमानों को खिलाइएगा। तो आप लोग घर आए हुए मेहमानों को खिलाएगा तो बहुत से बहुत आप लोग का तारीफ होगा, उंगलियां चाटते ही रह जाएंगे लोग आप लोग। तो आप लोग बना करके एक बार जरूर खाइएगा, बहुत बहुत आसान तरीके से बनाए हैं, कम समय में बनाए हैं, कम सामान से बनाए हैं। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पर। तो हमारे वीडियो को आप लोग एंड तक देखते रहिएगा, हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो बहुत से बहुत सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों हमारे वीडियो आप लोगों को देखने के लिए, थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।